आधी रात को सिवान पहुंचे डीआईजी रविंद्र कुमार, बड़ी क्राइम मीटिंग को लेकर पहुंचे हुए हैं और कई आला अधिकारी मौजूद हैं, कई थाना की पुलिस मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर काफ़ी संख्या में गोली बिखरा पड़ा है। कल रात रईस खान के काफिले पर हमला हुआ था। पूरी घटना आपको हम बताते हैं कि निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें 1 युवक की मौत हो गई थी, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाल बाल बचे थे एमएलसी प्रत्याशी रईस खान। आपको बता दें कि पूजा समारोह से लौट रहे दंपत्ति की स्कॉर्पियो और शादी समारोह से लौट रहे बोलेरो पर भी हमला हुआ था। समर्थक की गाड़ी समझकर इन दोनों गाड़ियों पर अपराधियों ने हमला किया था। घायल दंपत्ति और एमएलसी के समर्थक का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। बोलेरो सवार युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई थी, वहीं पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। यह पूरी घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महुअल की है, जहां पर यह बड़ी घटना घटी थी और इस सभी बिंदुओं पर जांच करने के लिए आधी रात को सिवान पहुंचे हुए डीआईजी रविंद्र कुमार, साथ में एसडीपीओ एसपी सहित कई थाना की पुलिस मौजूद है। आधुनिक हथियार बताया जा रहा है कि AK-47 से इनके काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी थी, वहीं 1 व्यक्ति की मौत हो गई थी, वहीं 4 लोग घायल हैं। एक पति पत्नी बताए जा रहे हैं जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है, दोनों के हाथों में गोली लगी है, वहीं उनके 2 समर्थक को गोली लगी थी जिनका इलाज चल रहा है। और आधी रात को सिवान पहुंचे हुए डीआईजी रविंद्र कुमार, सिवान के सहनाले में बड़ी बैठक हो रही है, इस क्राइम को लेकर चर्चा होगी। सिवान के लिए बड़ी घटना थी। क्राइम से संबंधित ही समीक्षा करने आए हैं, अभी हाल के घटनाओं पर समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा क्या व्यवस्था की गई है, रात्रि गश्ती, दिन की गश्ती, अनुसंधान में क्या प्रगति है, मेजर हेड में शराबबंदी में क्या कार्रवाई की जा रही है, यही सभी की समीक्षा की जाएगी। सर, कल रात में जो घटना घटी है, उसमें क्या घटना के जानकारी ली गई है, अब उसमें उसी की समीक्षा की जाएगी, उसमें क्या प्राप्त हुआ है, जब्ती क्या क्या हुआ है, कौन लोग शामिल हैं। सर, इसकी जांच लंबे समय तक देखने को नहीं मिली थी, क्या लगता है इस तरह की घटना देकर अपराधी बहुत बड़ी चुनौती देना चाहते हैं प्रशासन को? हाँ, उसके लिए हम लोग तत्पर हैं, पुलिस तत्पर है। इसमें आधुनिक हथियार का भी यूज किया गया है? हाँ, आशंका ऐसी व्यक्त की जा रही है कि आधुनिक हथियार का किया जा रहा है, तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और जो भी है उसको जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। थैंक यू।